हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिलर्स पढ़ने वाले हैं एक्सिस बैंक के EBYP प्रोग्राम 2020 के लिए, जो कि इंग्लिश का टॉपिक है। फिलर्स में टोटल 5 सेशन होंगे, जिसमें मैं हर एक सेशन में 5-5 क्वेश्चन को इंक्लूड करके सारे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा एक्सिस बैंक के लिए। आज इसका पहला सेशन है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश रवि और मोहन हैज ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पे हमें कुछ भरना है इस दिए गए 5 वर्ड्स में से। तो यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा क्योंकि नाइदर के साथ नॉर आता है। बोथ भी नहीं होगा क्योंकि बोथ के साथ एंड आता है। नन भी नहीं होगा और वेदर भी नहीं होगा क्योंकि वेदर का मतलब होता है यदि। तो यहाँ पे अगर हम यदि लिख दें, यदि रवि या मोहन ने ग्लास को तोड़ा है, तो ये सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड है होगा आइदर, आइदर रवि और मोहन हैज ब्रोकन द ग्लास। तो ये सेंटेंस जो है मीनिंगफुल हो जाएगा। यहाँ पे है, डू नॉट ट्राई टू डैश अदर्स। यहाँ पे टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है और इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस भी वर्ब बराबर इन्फिनिटिव और भी प्लस ing बराबर जीरंड। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। चीटर नहीं होगा क्योंकि चीटर मतलब होता है चीट करने वाला, तो ये नाउन है। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, जो कि एडजेक्टिव है। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। डिसीव वर्ड का पहला फॉर्म है लेकिन यहाँ पे डिसीव नहीं होगा क्योंकि धोखा देना का जब हम इस्तेमाल करते हैं, धोखा देना, तो ये तब किया जाता है जब मैटर काफ़ी पर्सनली होता है। लियर मतलब होता है झूठ बोलना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा फूल। डू नॉट ट्राई टू फूल फूल अदर्स, किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे होगा फूल। अगला क्वेश्चन है, ही वाज द डैश स्पीकर। वह डैश स्पीकर था। थ्राइव मतलब होता है उन्नति करना, तो ये यहाँ नहीं होगा। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा। अगर फर्स्ट हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे ही वाज द फर्स्ट स्पीकर, मतलब वह पहला स्पीकर था। अगर लास्ट यहाँ भरेंगे तो हम बोलेंगे वह अंतिम स्पीकर था। ही वाज द लास्ट स्पीकर, मतलब वह अंतिम स्पीकर था। तो अगर हम मीनिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट दोनों आ सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा आइदर वन और टू। अगला क्वेश्चन है, ही इज फीलिंग डैश टायर्ड टूडे। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है डेड, दूसरा है इल, यह है स्ट्रॉन्गली, लाइफ स्टंड। डेड टायर्ड मतलब होता है अत्यधिक अत्यधिक थका हुआ, तो यहाँ पे होगा डेड, ठीक है। और बाकी जो 4 वर्ड्स हैं, इल ये नहीं होगा। इल टायर्ड कुछ नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। स्ट्रॉन्गली टायर्ड भी नहीं होगा, लाइफ टायर्ड भी नहीं होगा। और स्टंड मतलब होता है दंग रह जाना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेड टायर्ड मतलब होता है अधिक थका हुआ, यह फ्रेजल वर्ब है। अगला क्वेश्चन है, बुक्स डैश फ्रॉम हर हैंड। तो यहाँ पे होगा फॉल, बुक उसके हाथ से गिर गया। डिक्लाइन नहीं होगा क्योंकि डिक्लाइन मतलब होता है जब कोई आंकड़ा घटता है तो उसको हम लोग डिक्लाइन बोलते हैं ग्राफ। लूज भी नहीं होगा, लूज मतलब होता है हार जाना। शिफ्ट मतलब होता है पिसल जाना, ये भी नहीं होगा। और स्नेच मतलब होता है छीनना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फॉल, मतलब बुक उसके हाथ से गिर गया या फिर गिरा, कुछ भी कहिए। बुक उसके हाथ से गिरा, गिर गया नहीं होगा, गिरा होगा। तो इस प्रकार इस सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। फिर अगले वाले सेशन में भी मैं 5 क्वेश्चन इंक्लूड करके टोटल 5 सेशन में फिलर्स को खत्म करूंगा। फिर अन्य टॉपिक में पढ़ाऊंगा इंग्लिश के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।